जिला हमीरपुर के टोनी देवी क्षेत्र में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस चौकी के तहत ऊहल सड़क पर अचानक एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में कुल 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाया गया है। सूचना के अनुसार 7 बजे के करीब एक गाड़ी जंदड़ू से टोनी देवी की ओर आ रही थी कि अचानक जौनकर नामक जगह पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और सदर थाना के साथ ही पुलिस चौकी के जवान भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे भी उड़ गए थे। मृतकों की पहचान भूमिदेव पुत्र रोलूराम निवासी जंद्रू, घटा देवी पत्नी रमेश चंद निवासी अदोदी धार, मीना कुमारी पत्नी गुरदीप कुमार निवासी करसोग के रूप में हुई है, जबकि जोगिंदर और पिंकी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अलावा एक 1.5 माह की बच्ची अंशिका को भी हल्की चोटें लगी हैं। सदर थाना हमीरपुर के प्रभारी संजीव गौतम ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को रेस्क्यू कर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए लाया है, जबकि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा भलेट द्वारा बिल्लीज लेवल प्रोग्राम का आयोजन टिपरी पंचायत में किया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक अमन डोगरा द्वारा की गई। इसमें उन्होंने बैंक की विभिन्न स्कीमों के बारे में, विभिन्न सरकारी बीमा योजनाओं, बैंक से जुड़ने और खाता खुलवाने तथा स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत स्कीमों के बारे में सबको अवगत करवाया। इस मौके पर पंचायत सचिव साहिब सिंह, सावित्री देवी, पृथ्वी चंद, रवि कुमार, अशोक कुमार व अन्य लोगों के साथ बैंक कर्मियों में कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। दूरसंचार एवं BSNL विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को आ रही समस्याओं का निदान घर द्वार पर करने के लिए हमीरपुर के BSNL कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल शिमला से आए हुए प्रतिनिधियों ने हमीरपुर SSA के तहत आने वाले हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना जिला के पेंशनरों की समस्याओं को सुना व उनके निदान के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने का भरोसा दिया। इंद्रलाल महावर ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं को ऑनलाइन मांगा गया था, लेकिन कोई भी समस्या ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद BSNL कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दूरसंचार एवं BSNL पेंशनरों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को दिल्ली के उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा और समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।